विधानसभा चुनावों में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक वोट देने के लिए खास तौर पर पहुंचे। सोलन विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ही एक 102 वर्षीय रामेश्वरी देवी वोट देने दिल्ली से यहां पहुंची हैं। वहीं एक अन्य वरिष्ठ नागरिक 92 वर्षीय सुदर्शन भी वोट देने पहुंचे। इनके जज्बे को देखकर वहां मौजूद सभी ने तारीफ की। सोलन में 108 ने भी अपने मत का प्रयोग किया। वहीं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी वोट डालने में किसी से भी पीछे नहीं रहे। रामेश्वर देवी ने सबसे पहला वोट जवाहरलाल नेहरू के समय में दिया था। उम्र के इस पड़ाव में उनका कहना है कि वोट मांगने सभी पार्टियों के प्रत्याशी आ जाते हैं, किंतु जीतने के बाद किसी प्रकार की मदद नहीं करते। उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक सरकार की ओर से पेंशन तक नहीं मिली है। उनका कहना था कि सरकार से भले ही मदद मिले या ना मिले, लेकिन वोट तो देना ही चाहिए। ऐसे लोगों को देखकर इन राजनीतिक पार्टियों को विचार अवश्य करना चाहिए और वोट की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के हित में अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। वोट नहीं थोड़ी दिल्ली से आई हूँ भाई, वोट डालने मैं जाके वोट तो सबको दी, किया किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं कर ना पूछा। वोट ले टाइम आते हैं, जी 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 वोट ले जाते हैं, चल मेरे भाई, मुड़ के कोई नहीं पूछ। हमारा तो कुछ नहीं कर, हम तो सारी जिंदगी मजदूरी करी तो रोटी खाई, वोट तो जिसका खाया वोट तो देनी पड़ी, चाहे मजबूरी देती चाहे जिस, कोई ना पेंशन है ना कुछ, ना पेंशन है ना ठिकाना।